हिंदुस्तान की जनता के मन में शक और सुभा हो रहा है। अपने टेक्निक से जीतती है, इस बार टेक्निक फेल कर। आप सबको धन्यवाद। भाजपा ने अपना सारा तिकड़म लगाया था, वो सारा तिकड़म फेल कर गया, इसीलिए हम लोगों की जीत हुई है और 24 में भी हम ही लोगों की जीत हुई। जनता महागठबंधन को ही चाहती है। कहीं न कहीं भाजपा अपने टेक्निक से जीतती है, इस बार टेक्निक फेल कर गया और जनता ने जो चाहा वो कर दिया, इसीलिए हम लोगों की जीत हुई है और 24 में भी हम ही लोगों की जीत हुई। माननीय नीतीश जी, माननीय तेजस्वी जी, माननीय श्री लालू प्रसाद के नेतृत्व में बिहार की 40 सीट हम 24 में जीतने जा रहे हैं। आज का जो यह पत्रकार संवाद है, इसमें मैं यह घोषणा करता हूं और देश हित में भी और हिंदुस्तानी संस्कृति को बचाने में भी महागठबंधन की बड़ी भूमिका होगी। आप सबको धन्यवाद। भाजपा ने अपना सारा तिकड़म लगाया था, वो सारा तिकड़म फेल कर गया, तो जब राज्य में इस चुनाव में जो तिकड़म फेल हुआ है, तो मोदी और शाह का हिंदुस्तान में भी तिकड़म फेल होगा। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ईडी की कार्रवाई बढ़ती जा रही है विपक्ष के नेताओं। देखिए, इस तरह के जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका भाजपा दुरुपयोग कर रही है और हिंदुस्तान की जनता इसको समझती है कि वो चाहे माननीय लालू जी के परिवार के साथ हो रहा हो या कांग्रेस के नेताओं के साथ हो रहा हो या वैसे व्यापारी और स्वतंत्र अफसरशाह जो स्वतंत्र निर्णय लेने वाले हैं उनके साथ हो रहा है। भाई, अभी तो प्रोटोकॉल के थोड़ा बहुत अनुकूल नहीं है, बल्कि न्यायालय के निर्णय पर भी प्रश्नचिन्ह खड़े हो रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता के मन में शक और स्वभाव हो रहा है। इन लोगों के आचरण से, स्वभाव से पूरा हिंदुस्तान इनके तिकड़म के चक्कर में पड़ा है और उससे मुक्त होना चाहता है। और भारतवर्ष की जनता भाजपा मुक्त हिंदुस्तान बनाना चाहती है।